10 और 11 जून 2019 में धर्मशाला में प्रस्तावित इन्वेस्टर मीट की तैयारियों पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सचिवालय में कैबिनेट मंत्रियों और सभी विभागाध्यक्षों के साथ चर्चा की और इन्वेस्टर मीट को लेकर सुझाव मांगे गए। धर्मशाला में होने वाले इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी बुलाने की तैयारी है। सरकार देश ही नहीं विदेश के निवेशकों को भी हिमाचल में आमंत्रित करके यहाँ निवेश के लिए प्रोत्साहित करेगी। इस मीट के लिए 60 से 80 हज़ार करोड़ रुपए के निवेश को बुलाने के प्रस्ताव तैयार किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बताया कि हिमाचल में निवेश के लिए भी एक अनुकूल वातावरण तैयार किया जाएगा। इन्वेस्टरों के लिए किस तरह की सुविधाएं दी जाएं, इस पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने बताया कि सरकार इंडस्ट्री के अलावा भी प्रदेश में उद्योग लाना चाहती है। एक प्रयास जो बड़ा प्रयास जो है हमारी सरकार जो है वो करने जा रही है, हम हिमाचल प्रदेश में सभी सेक्टर में कैसे कर सकते हैं। जैसे हॉर्टिकल्चर है, उसमें हमारे पास प्रोसेसिंग यूनिट, प्रोसेसिंग के लिए हम कौन कौन से नए इनिशिएटिव ले सकते हैं। हमने हिमाचल प्रदेश में एक लक्ष्य निर्धारित किया है कि इन्वेस्टर्स मीट करेंगे और उसमें बड़े स्तर पर जो है पूरे देश भर से और यहाँ तक कि विदेश से भी कोई भी इन्वेस्टमेंट आती है उसके माध्यम से हिमाचल प्रदेश को विकास देने के लिए गति देने की कोशिश करेंगे। और इसका जून के महीने में हमने तारीख तय की है, इसमें 10-11 जून की तारीख तय की है और उसमें मुझे लगता है कि बहुत इसके अच्छे परिणाम होंगे। यानी कि मैं कह सकता हूँ इस तरह का इनिशिएटिव हिमाचल प्रदेश में पहले नहीं हुआ है। सोचा गया है, छोटा सोचते थे, छोटा करते थे, हम कुछ बड़ा हट करके सोच करके जो है काम करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये आप मान करके चलिए कि हिमाचल प्रदेश में अगर विकास को तेज़ गति से आगे बढ़ाना है तो गवर्नमेंट सेक्टर की अपनी एक सीमा है, उसमें जितने आपके पास संसाधन है उसी के माध्यम से जितना कर सकते हैं वो कर सकते हैं। हमको प्राइवेट सेक्टर को इन्वाइट करना पड़ेगा। दूसरे प्रदेशों ने जो है बहुत सारी चीज़ें आगे बढ़ करके करनी शुरू कर दी और उस दृष्टि से मुझे लगता है कि हिमाचल को भी पीछे नहीं रहना चाहिए। नेशन न्यूज़ से अजय रतन की रिपोर्ट। अपडेट्स के लिए नेशन न्यूज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन के लिए रेड बेल आइकन जरूर दबाएं।